हाय फ्रेंड्स, स्वागत है निक मैथ्स में। तो आज हम डिस्कस करेंगे असम पुलिस का जो अभी एग्जाम्स होने वाला है उसके रीजनिंग के ऊपर, और ये रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, प्रैक्टिस सेट नंबर 1 मैंने ऑलरेडी बनाया हूँ और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दे दूंगा। ठीक है, आप अगर नहीं देखे हो तो देख लोगे। तो इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ दिया हुआ है क्या कि 6 गर्ल आर स्टैंडिंग इन अ सर्कल फेसिंग टू द सेंटर। तो दोस्तों देखोगे, ये सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। अब ये कितने गर्ल्स, 6 गर्ल्स आर स्टैंडिंग इन ए सर्कल। तो ये सर्कल का है ना, तो सिटिंग अरेंजमेंट अब ये दिया हुआ है सर्कल पे। ठीक है, तो 6 पर्सन बोला हुआ है ना, तो आपको क्या करना है कि टोटल 6 कैसे लोगे। अब देखोगे, एक यहाँ लिए ना तो दूसरा इसके अपोजिट, यानी ये एक यहाँ तो एक ये कितना हो गया टोटल 4। अब एक यहाँ लोगे तो ऐसा नहीं कि यहाँ लेंगे हम लोग, इसका अपोजिट यहाँ लेंगे। तो इससे क्या होता है ना कि जब आपसे क्वेश्चंस में कभी अपोजिट पूछ दे, तब जैसे इसका यहाँ जो पर्सन बैठेगा उसका अपोजिट अगर पूछ दे तो डायरेक्ट हम बोलेंगे ये वाला। ठीक है ना, क्लियर। तो अब हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो पहला पॉइंट यहाँ से स्टार्ट है। चलो, बिंदु इज टू द लेफ्ट ऑफ बीजी, तो डायरेक्ट हम लोग बैठा देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले नाम किसका, बिंदु क्या है, लेफ्ट। और उससे पहले अब ये फेसिंग क्या था दोस्तों, सेंटर यानी अंदर की तरफ। तो जब अंदर की तरफ फेसिंग होगा ना तो इस साइड, अब मान लेते इस पर्सन का, तो इस पर्सन का राइट पोजीशन इधर होगा और लेफ्ट पोजीशन इधर। अब अपने आप को खुद ही सोचोगे कि मैं यहाँ बैठ के अंदर की तरफ देख रहा हूँ, तो आपका राइट किधर होगा, ऊपर की तरफ होगा, और लेफ्ट किधर होगा, इधर। क्लियर ना, किसी भी फेस पे आप यहाँ भी बैठ, सपोज अगर इस प्लेस में बैठ गए तो आपका राइट अब किधर होगा, नीचे की तरफ होगा, और लेफ्ट ऊपर की तरफ। क्लियर, तो फर्स्ट पॉइंट है कि बिंदु इज टू द लेफ्ट ऑफ बीजी। तो यहाँ ले लेते हैं हम लोग बिंदु, ये लेफ्ट किसका है, बीजी का। तो अब बीजी को कहाँ रखना होगा, यहाँ पे रखना होगा, क्योंकि अब यहाँ रखेंगे तभी तो इसका लेफ्ट इधर आएगा। तो ये हो गया आपका बीजी। ठीक है, नेक्स्ट, ये अब दो पर्सन का सेटिंग हो चुका हुआ है। अब आगे देखते हैं, तो आगे दिया हुआ है क्या कि रेखा इज इन बिटवीन बिंदु एंड मुमताज। तो रेखा जो है बिंदु और मुमताज के बीच में बैठी हुई है। ठीक है ना, तो अब देखो बिंदु का तो पोजीशन मिल चुका हुआ है, तो यहाँ पे अब ये बिटवीन बोला, तो अब यहाँ पे हम लोग मुमताज को रखेंगे, तभी तो यहाँ पे रेखा आ जाएगा बीच में, है कि नहीं। तो यहाँ हो गया आपका रेखा, और ये हो गया आपका नेक्स्ट मुमताज। अब चेक करो आप, रेखा इज इन बिटवीन बिंदु एंड मुमताज, दोनों के बीच में है। क्लियर, अब बचा आपके पास दो प्लेस, ये और ये। तो आगे देखते हैं हम लोग, अब लिखा हुआ यहाँ पे जीसा इज इन बिटवीन बीजी एंड निर्मला। ठीक है, तो बीजी ये है, अब ये जीसा जो है बीच में बैठेगा किसका, बीजी और निर्मला का। तो ये हो गया निर्मला, ये हो गया निर्मला, एंड देन ये पोजीशन जो होगा किसके लिए आएगा, जीसा। तो ये हो गया आपका जीसा। क्लियर, तो 6% का सेटिंग अरेंजमेंट ये कंप्लीट हो चुका है। तो अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि हु इज टू द लेफ्ट ऑफ मुमताज। ठीक है, तो मुमताज अब यहाँ बैठा हुआ है, अंदर की तरफ देख रही है, तो अब इसका ये राइट पोजीशन है ना, और ये पोजीशन क्या होगा, लेफ्ट होगा। क्लियर, तो अब उसका जस्ट लेफ्ट पूछ रहा है किसका, मुमताज का। तो मुमताज का लेफ्ट कौन होगा, ये होगा निर्मला। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा निर्मला, जो कि ऑप्शन नंबर है बी। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है कि चूज द मिसिंग टर्म। ठीक है, तो अब दोस्तों अब ये क्वेश्चन है, अब इसमें मिसिंग टर्म आपको ये दिख रहा है क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ हम लोग क्या रखेंगे कि ये आपका सीरीज में एक हो जाए। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस को करना क्या होता है कि सबसे पहले नंबर को ध्यान से देखना होता है, और नंबर को देखने से आपको लग रहा है कि ये प्लस माइनस, क्योंकि बढ़ रहा है फिर घट रहा है ना, इंक्रीज़ हो रहा है डिक्रीज़ हो रहा है, तो ज़्यादा बड़ा नहीं हो रहा है। तो ज़्यादा जब बहुत बड़ा अचानक से बढ़ जाए उस समय हम लोग क्या होते हैं कि मल्टीपल सीरीज़ होता है। ठीक है, या फिर स्क्वायर सीरीज़ बोल सकते हैं, क्यूब सीरीज़। बट इस क्वेश्चंस में ये आसान से हम लोग निकाल सकते हैं, कैसे, डिफरेंस से निकाल सकते हैं। तो अब ये 28, अब ये 33 हो गया, तो कितने का गैपिंग है, यानी 5। तो 33 माइनस 28 करेंगे तो 5, यानी 28 में अगर 5 को प्लस कर दे तो 33 मिल जाएगा। ठीक है ना, नेक्स्ट, अब ये देखो डिक्रीज हो गया, तो कितने का डिक्रीज हुआ है, 33 था 31 हो गया, यानी माइनस 2 कर दिए। ठीक है, तो देखो प्लस 5 माइनस 2, नेक्स्ट वाला चेक करते हैं, तो ये हो गया 36 माइनस, हाँ ये भी प्लस 5 है। तो आपको पता चल चुका होगा
कि अब ये क्या सीरीज में जा रहा है, यानी प्लस फाइव देन माइनस टू प्लस फाइव एंड देन माइनस टू, इस तरह करके ये कंटिन्यू हो रहा है, ठीक है ना। तो अब नेक्स्ट ये फाइंड करना है तो क्या करेंगे, माइनस टू करेंगे, है कि नहीं। तो 36 माइनस टू करोगे तो कितना होगा, 34। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 34। बट चेक कर लो कि ये 5 प्लस करने से 39 आ रहा है या नहीं। तो 34 में प्लस 5 करेंगे तो 39 आएगा, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 34, जो कि ऑप्शन नंबर है बी। तो दोस्तों, आप अगर चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड यहाँ दिया हुआ है क्या कि डी एच एल पी टी एक्स बी एफ जे एंड देन क्वेश्चन मार्क। तो दोस्तों ये आपको फाइंड करना है, ठीक है ना। तो देखोगे अब यहाँ पे, अब इसका फर्स्ट लेटर ये हो गया आपका डी, देन पी एंड देन बी। अब हम लोग क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो गैपिंग चेक करेंगे तो, बट यहाँ पे देखोगे कि गैपिंग जो हो रहा है वो ज़्यादा गैपिंग है। एक तो प्रोसेस ये है कि फर्स्ट लेटर्स को हम लोग कंपेयर कर सकते हैं। दूसरा प्रोसेस ये है कि अब देखोगे अगर ये D से H काउंट कर लें, S से L काउंट कर लें, इन लोगों का गैपिंग का गैपिंग निकाल लें तो भी हम लोग फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर ऐसे देखें D E F G H ये हो गया 4, H I J K L ये हो गया 4, ठीक है ना। P Q R S T U V W X यानी 4-4 का हो रहा है। B C D E F G H I J 4-4 का हो रहा है, ठीक है। तो बट आपको क्या करना होगा, अब ये जो लास्ट वाला है, क्योंकि L के बाद P फिर कैसे आया, X के बाद B फिर कैसे आया, ये गैपिंग निकालेंगे तो आंसर को हम निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो L का पोजीशन 12, P का पोजीशन 16, अगेन 4 का ही गैपिंग है, ठीक है ना। अब देखोगे X से B, X Y Z A एंड देन B, अगेन 4। तो हम लोग J से क्या करेंगे, जस्ट 4 आगे की तरफ जाएंगे, J K L M N। तो पहला होगा आपका N, फिर n से क्या करेंगे, आगे की तरफ 4। तो n का पोजीशन 14, तो 14 में 4 ऐड कर देंगे 18, तो 18 में हो गया r, तो r हो गया आपका 18 एंड देन अगेन 4 प्लस कर देंगे तो ये हो गया 22 एंड देन 22 में क्या होता है v, यानी आंसर होगा n r v, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया n r v, जो कि ऑप्शन नंबर है c। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। तो यहां दिया हुआ है कि फाइंड द ओड वन। तो दोस्तों ओड मीन्स होता है कि अभी ये आपको चार ऑप्शंस दिए हुए हैं ए बी सी डी, अब इसमें से तीन ऑप्शंस क्या होंगे, एक जैसे मतलब किसी भी एंगल से एक जैसे हो सकते हैं, और बाकी एक जो होगा क्या होगा, डिफरेंट होगा, वही आपको डिफरेंट को फाइंड करना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों यहाँ देखोगे, अब अगर हम लोग गैपिंग को देखें तो ए से अब ये सामने इसका ई होगा, ठीक है। तो गैपिंग देखते हैं तो कितने का आएगा, 4 का आएगा। P से T को देखें 16, 20 अगेन 4, L और U को देखें तो L का 12, U हो गया 21 यानी 9, H से इसको देखें तो ये होगा आपका 8 एंड 13 5। तो गैपिंग तो ये आ रहा है, तब देखोगे गैपिंग में 4 4, यहाँ तक तो ठीक था बट यहाँ भी 4 ही होना चाहिए था भाई, यहाँ एक 4 होना चाहिए था, ये तो है नहीं, तो ये प्रोसेस फेल। तो गैपिंग से आंसर को नहीं निकाल सकते, तब हम लोग क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे, वॉयल्स की तरफ जाएंगे, ठीक है ना। तो आपको दोस्तों पता ही होगा वॉयल्स ए ई आई एंड देन ओ, ये हो गया, अच्छा यहाँ लिख दिया, चलो ठीक है, चलो यहीं लिख दे रहा हूँ, आई ओ एंड देन यू, ये होते हैं, ठीक है ना। तो देखोगे दोस्तों अब यहाँ पे वॉयल्स है, हाँ है, ए ई दिख रहा है आपको एंड देन यहाँ भी दिख रहा, यहाँ भी दिख रहा है आपको, बट इस वाले में ऑप्शन नंबर डी में देखोगे ये सारे कॉन्सोनेंट है, ये वॉयल्स है नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा नो वॉयल्स, यानी ऑप्शन नंबर हो गया आपका डी करेक्ट आंसर, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में भी सेम ही है कि फाइंड द ओड वन फाइंड करना, बट ये किस में है, नंबर्स में है। तो दोस्तों जब भी नंबर्स में हो तो सबसे पहले तो नंबर्स, अगर इस तरह के दो नंबर हैं तो हम लोग क्या करते हैं, एक दूसरे का मल्टीपल हो रहा है या फिर आपका स्क्वायर हो रहा है या फिर क्यूब हो रहा है या फिर डिफरेंस को चेक करेंगे, ये भी प्रोसेस फेल होता है। तो फिर हम लोग जाते हैं किधर, इसको हम लोग निकाल सकते हैं, फिर फैक्टर में भी हम लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो चेक करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देखोगे अगर हम लोग डिफरेंस को देखें तो ये अगर डिफरेंस आप मिलाओगे तो यहाँ पे हो गया आपका 15 यानी 18 का डिफरेंस है, बट यहाँ पे डिफरेंस आपका 12 है, यहाँ 10 है, तब तो ये यहीं पे रुक जाओगे क्योंकि ये 18 है 12 है 10 है, तो ये तो होने वाला है नहीं, है ना,
एक जैसा ही होना पड़ेगा तीन को। तो ये था प्रोसेस फेल। तो अब दूसरा हम लोग एक दूसरे का मल्टीपल भी अगर देखें तो मल्टीपल भी हमारा नहीं हो रहा है। तो इस समय आपको करना क्या है कि तब हम लोग जाएंगे किसके पास, फैक्टर्स की तरफ देखेंगे, ठीक है ना। तो फैक्टर्स में देखोगे तो अब इसका अगर फैक्टर देखिए दोस्तों, तो कॉमन फैक्टर अगर निकाले हम लोग तो हाँ ये कॉमन फैक्टर यहाँ ये, हाँ अब ये देखोगे सारे नंबर ये जो है ना ये थ्री से डिवाइड हो रहा है, ये भी थ्री से डिवाइड हो रहा है, ये भी थ्री से, ये भी थ्री से डिवाइड हो रहा है, ये भी थ्री से डिवाइड हो रहा है, ये भी थ्री से डिवाइड, यानी आप बोल सकते हो कि इसका कॉमन फैक्टर जो अगर देखें तो सबका थ्री थ्री आ रहा है ना। थ्री फाइव जा, जैसे मैं लिख के दिखाता हूँ, थ्री फाइव जा 15 यानी थ्री है, अगेन थ्री फोर जा 12, इसको लिख सकते हो आप 3 × 10, इसको लिख सकते हो 3 × 6, इसके लिए लिख सकते हो 3 × 9, इसको लिख सकते हो 3 × 15, क्लियर। तो सब देखोगे आपका जो फैक्टर आ रहा है कॉमन फैक्टर, यानी सभी के पास क्या दिखा आपको, 3 3 दिखा है ना। बट इस इन दोनों में देखोगे अब ये हो गया 20 एंड देन 10, तो इसका तो 3 के साथ हमारा फैक्टर होने वाला है, यानी 2 से हो सकता है 2 होगा, देन 2 से 10, अब इसको अगर और छोटा लेके जाए तो 2, देन उसके बाद आएगा आपका 2 से अगर देखें हम लोग तो 2 10 लिख सकते हो, या फिर इसको भी ब्रेक करोगे तो 2 5 इस तरह से है ना। अब ये भी क्या होगा 2 5, तो यहाँ तो कॉमन फैक्टर आपका 2 मिला, बट बाकी सभी में क्या हो रहा है, कॉमन फैक्टर 3 आ रहा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डिफरेंट कौन दिखा, ऑप्शन नंबर सी। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आ सकते एग्जाम्स में, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ दिया हुआ है क्या कि इन अ सर्टेन कोड, यहाँ दिया हुआ है ऑडिटोरियम इज रिटेन एज, ये दिया हुआ है, ठीक है। तो आपसे पूछ कह रहा है कि हाउ विल मिस फॉर्चून बी रिटेन इन दैट कोड, ठीक है। तो दोस्तों अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ देखोगे कि ऑडिटोरियम जो दिया हुआ है, अब ये स्टार्ट किससे, एम से। तो दोस्तों एम कहाँ है, यहाँ पे, अब ये देखो यहाँ पे दिया हुआ है एम यू आई आर ओ टी आई डी यू ए, तो ये सारे लेटर्स यहीं से हैं। तो अब ये क्या हो रहा है, इंटरचेंज हो रहा है। तो कैसे इंटरचेंज हुआ तो चेक करते हैं। तो फर्स्ट वाले के प्लेस में, यानी अब ये कहाँ गया, ये लास्ट में गया। तो अब यहाँ से स्टार्ट किससे, एम यू आई, अगर इसको रिवर्स देखें एम यू आई आर ओ टी आर ओ टी आई एंड देन उसके बाद डी यू ए, हाँ तो ये पूरा क्या हो रहा है, इसको रिवर्स हो रहा है, ठीक है। तो आपसे पूछ क्या रहा है, मिस फॉर्चून, यानी अब हम लोग स्टार्ट कहाँ से करेंगे, ई से, ई पूरा उल्टा कर देंगे, ई एन यू टी आर ओ एफ एस आई एंड देन एम, ये हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है ना। तो अब ऑप्शंस में देखते हैं ये कहाँ दिया हुआ, ई एन यू टी आर ओ एफ एस आई एंड देन एम, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, यहाँ दिया हुआ 125 80 45 20 एंड देन क्वेश्चन मार्क, ये आपसे फाइंड करना है, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन को दोस्तों आप लोग करोगे और करके आप आंसर को कमेंट करोगे, अगर नहीं हो तो फिर मैं उस क्वेश्चन को करवा दूंगा, ठीक है। तो दोस्तों आज मैंने असम पुलिस का भी जो एग्जाम्स होने वाला है उसके रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट नंबर 2 को करवाया। तो इस तरह क्वेश्चंस आप मेरे चैनल में देखना चाहते हो, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके।